अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो हम लोगों ने सुना हुआ है ना कि क्रिप्टो में सारे कहते हैं कि जी ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। बस हमें इतना पता कि जी ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, एक्चुअल में हमें उसको आइडिया नहीं है कि वो इसकी क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो जिस तरह अभी जो मार्केट में हाइप है वो है गेमिंग की और मेटावर्स की। ठीक है, तो ये चल रहा है ट्रेंड। ठीक है, यानी कि अभी जो मार्केट में जो ट्रेंड है वो गेमिंग का और मेटावर्स का है, तो हम लोगों ने जो है उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने आप लोगों को जैसा कि लास्ट वीडियो में एक दो वीडियोस में बताया था मेटावर्स के बारे में, तो मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि ब्लॉक टोपिया मेटावर्स का एक टॉप प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो उसको आप लोगों ने नहीं छोड़ना। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आप लोगों को ज़रा नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये है जी वीडियो 9 नवंबर की। ठीक है, 9 नवंबर की है और इस टाइम आप देखें ब्लॉक टोपिया की प्राइस क्या शो हो रही थी, 0.0869। ठीक है, और अभी क्या चल रही है, 0.143। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उस दिन जिसने मेरी कॉल पे इन्वेस्टमेंट की होती तो आज आप लोगों के जो इन्वेस्टमेंट थी वो कहाँ होती। लेकिन अभी ये स्टॉप नहीं होगा क्योंकि ब्लॉक टोपिया जो है मेटावर्स का इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है कि हम लोग मानते हैं कि ये टॉप ऑफ द लाइन है, यानी कि सबसे जो नंबर वन प्रोजेक्ट है ना वो ब्लॉक टोपिया है। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की तो अगर ये थोड़ा बहुत नीचे आता है तो वहाँ से इसको डिप से पकड़ ले और देखते कैसे हैं। वो मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि मार्केट जाके कैसे देखते हैं कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ पे देखें। गेट आयो पे है, ओकेक्स के ऊपर है और क्यू कॉइन के ऊपर है, अभी बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होना बाकी है। तो ब्लॉक टोपिया की तरह का एक दो प्रोजेक्ट और हैं गेमिंग के लिहाज से और मेटावर्स के लिहाज से। ठीक है, आप लोगों ने इस पे ज़रूर नज़र रखनी है, इनको ज़रूर कोशिश करना है कि थोड़ा थोड़ा आप लोग इसको बाय कर लो। ये एक स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है स्टार एटलस। ठीक है, बहुत सारे फेक कॉइन होते हैं, आप लोगों ने जो मैं दिखा रहा हूँ सेम उसी को देख के सेम वही वाला आप लोगों ने कॉइन मार्केट कैप्स वगैरह से ढूंढना जाके। ये क्यों इतना अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि ये सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर है। ठीक है, अब सोल का तो आपने देखा कि सोल की प्राइस कहाँ पे है और सोल जो है वो कितना अच्छा प्रोजेक्ट है, तो ये उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर है। और अगर आप इसकी साइट वगैरह देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये स्टार एटलस क्या चीज़ है। ये देखें, जैसे अभी आपने मार्केट में देखा हो ना सैंड और माना की जो है वो बहुत प्राइसेस जो है ऊपर निकल रही है, मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ आपके साथ। तो ये आने वाले टाइम में उनका मुकाबला करेगा टक्कर का, क्योंकि जो इनकी गेम है वो बहुत ज़बरदस्त है। पहले हम लोग गेमें खेला करते थे सिर्फ टाइम पास के लिए। ठीक है, हम लोग पैसे खर्च करके गेमें लेके आते हैं, प्ले स्टेशन बाय कर लिया, उसके अंदर गेम्स बाय कर ली। ठीक है, तो इसमें फ़ायदा किसको होता है, जिनकी वो गेम है, जिनकी वो प्रोडक्ट है। हमारा सिर्फ टाइम ज़ाया होता है गेमें खेलने में और हमें मिलता कुछ नहीं है। आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो घर की बिजली ज़ाया करते हैं आप उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि बिजली कंज्यूम होती है, टाइम तो चलो आपने ज़ाया करना ही करना है। ठीक है, तो अब जो ट्रेंड है गेमिंग का वो है प्ले टू अर्न, यानी कि आप गेम खेलेंगे आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, वो रिटर्न में आपको कॉइन्स की शक्ल में मिले या जिस मर्जी आपको फॉर्म में मिले तो आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह जो गेम बनाने वाला है उसको भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ है, साथ साथ इन्जॉयमेंट भी होगी आपकी और आपको पैसे कमाने का मौका भी मिलेगा। तो ये स्टार एटलस की है। अभी नेट थोड़ा सा मेरा स्लो है, यहाँ पर इनका अगर ट्रेलर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये देखिए ग्राफिक्स कितने ज़बरदस्त हैं इसके। अब सोचेंगे यार ये गेम जब लॉन्च होगी, अभी हो रही है, इस पर वर्किंग चल रही है, जिस दिन ये गेम लॉन्च होगी तो उस दिन इसकी प्राइस कहाँ जाएगी। ये सैंड माना छाना मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ऑक्स इन्फिनिटी बहुत अच्छा है, लेकिन जब ये लॉन्च होगा ना तो कहते हैं ना धमाका ही होगा। तो इस पर ज़रूर नज़र रखें, सस्ता है अभी, काफ़ी थोड़े बहुत पैसे लगा दें इसके ऊपर। ठीक है, बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बाय करके देख लें, अगर जल्दी ये गेन कर गया तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक, उसके बाद है स्टार लिंक। स्टार लिंक को भी थोड़ा सा बाय कर लो, अभी काफ़ी नीचे है, ये भी
मेटावर्स का और गेमिंग टाइप का टोकन है, पी एक यूफो गेम के नाम से है, ठीक है। ये सारे भी काफ़ी अच्छी प्राइस के ऊपर हैं। तो एक और जो दूसरा मेरा फेवरेट कॉइन है अभी इस टाइम, जिस पर मैं अभी काफ़ी रिसर्च कर रहा था, वो है शेल टोकन के नाम से, ठीक है, SHILL शेल, ठीक है। अब इसकी इसका जब मैं वाइट पेपर पढ़ रहा था, हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी कॉइन को आप जो है वो, मैं बताता हूँ, आप लोग अपनी भी रिसर्च किया करो, ठीक है। तो वेबसाइट को विजिट करो, वेबसाइट को विजिट करके उनका वाइट पेपर पढ़ो, ठीक है। तो इनका वाइट पेपर जब मैं देख रहा था, तो मुझे नज़र आया कि जो इनकी जो टीम है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स गेमिंग के जो है वो उनका पार्ट रही है। अभी आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देखें, कॉल ऑफ ड्यूटी, टेकन, नीड फॉर स्पीड, प्ले स्टेशन, एवेंजर्स, आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना ज़बरदस्त जो है वो प्रोजेक्ट हो सकता है आने वाले वक्तों में, क्योंकि उनकी टीम बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो अभी इसकी प्राइस चल रही है 1.52 के ऊपर, और मेरी नज़र में जो है इसकी प्राइस अभी काफ़ी कम है, ठीक है। जिस तरह का ये प्रोजेक्ट है ना, इसकी प्राइस काफ़ी कम है। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप लोग करना चाहते हैं, तो इसके अंदर आप लोग पैसे लगा सकते हैं, ठीक है। यूजली होता क्या है कि हम किसी को कोई चीज़ बताते हैं कि यार ये चीज़ आप लोग बाय कर लो, वो दूसरे दिन ही पूछने लग जाता है, यार ये प्राइस तो नीचे जा रही है इसकी, ये तो प्राइस नीचे ही जाई जा रही है, ऊपर तो जा ही नहीं रहा। तो ये उन लोगों के लिए कॉइन्स नहीं है जितने भी मैंने बताए आपको, ठीक है। इनका फ़ायदा आपको तभी है कि अगर आप लोग इसको बाय करके होल्ड करें। अगर ब्लॉक टूपिया की मैं आपको बताऊं, अगर ब्लॉक टूपिया की मैं बात करूं, तो मैं इसका अर्ली होल्डर हूं, ठीक है। जब इसकी प्राइस थी 0.006, ठीक है, तब मैंने इसको बाय किया था, और मेरा टारगेट जो है इसको सेल करने का, वो मिनिमम जो मेरा टारगेट है वो $1 के पास है, कि जब कभी भी ये $1 के पास जाएगा तो मैं कुछ कॉइन्स बेच लूँगा, बाकी फिर भी मैं होल्ड रखूँगा। अब ये वहाँ तक जाता है नहीं जाता, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट इसमें है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपको बताने का मकसद, आप लोगों को मोटिवेट करना है कि अगर आप लोग किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपका प्लान है लॉन्ग टर्म का, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है साल 2 साल के लिए, ठीक है। ये नहीं है कि आपने आज लगाया और दूसरे दिन आप लोग कहें कि जी ये फ़ौरन फ़ौरन ऊपर चला जाए, ठीक है। अब बात मैं कर रहा था आप लोगों के साथ सैंड की, सैंड और माना वगैरह की। तो सैंड अगर अभी देखें, सैंड भी मेटावर्क्स का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और ये भी अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। ये तकरीबन 8.40 को टच करके अभी वापस नीचे आया हुआ 7.59 के ऊपर, और ये बड़ी स्पीड से इन्होंने जो है वो, इसने और माना ने बहुत स्पीड से जो है वो प्राइस अपनी गेन की है। माना इसको भी देख लेते हैं, 5.38 के पास है। तो अभी इन 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 कॉइन्स में जाने के बजाय ना, आप लोगों को जो मैंने अभी रिकमेंड किया, आप लोग उसमें जाएँ, क्योंकि होता है क्या है, लोग मार्केट में देखते हैं यार ये कॉइन्स तो ऊपर जा रहे हैं, बस इसमें घुस जाओ, फिर जब वो करेक्शन लेते हैं तो आप लोग फिर रोने लग जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें आप लोगों को समझाई हैं, आप लोगों के पल्ले पड़ी होंगी, आप लोगों को समझ आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हुई थी, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।